Hi, I'm CNNA Jain from Educating Team, and here we are discussing a recent change in GST portal regarding ITC and tax liability comparison table. अब ये जो comparison table है वो अब हमें GST portal पर कुछ upgraded features के साथ available है. तो जब हम पहले देख सकते हैं कि जब हम dashboard पर जाकर file returns पर click करके अपना financial year select करेंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर तीन टेबल नजर आ रही थी, जबकि पहले यहाँ पर एक और टेबल नजर आती थी आईटीसी एंड टैक्स लायबिलिटी कंपैरिजन टेबल, जो अब यहाँ से हटा दी गई है. तो लोगों में ये कंफ्यूजन था, क्या अब ये फीचर्स अब हमें अवेलेबल नहीं होगा, अब हमें कंपैरिजन टेबल अवेलेबल नहीं होगी? ऐसा नहीं है, ये फीचर अब हमें अपग्रेडेड फीचर्स के साथ अवेलेबल है, बस इसका कुछ पार्ट चेंज कर दिया गया है. तो वो कहाँ पे अवेलेबल है हम देखते हैं. जब हम सर्विस टैब पर जाकर रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन. अब इस कंपैरिजन टूल के फॉर्मेटिंग को थोड़ा चेंज कर दिया गया है. जब हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग पूरी तरीके से चेंज हो गया है और हमें डेटा इस फॉर्मेट में अवेलेबल है. यहाँ पर हम फर्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटी स्टेटमेंट समरी. यहाँ पर हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1920 का डेटा एक साथ दिया गया है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट है टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B. ये जीएसटीआर 1 और 3B के कौन से टेबल से लिया गया है वो हमें पता चलेगा एज पर रिपोर्ट नंबर 1 और 3 से. यहाँ पर है आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B एंड अक्रूड एज पर जीएसटीआर 2A. ये डेटा लिया गया है एज पर रिपोर्ट नंबर 4. हम देखते हैं कि है क्या ये पूरा का पूरा डेटा पूरे फाइनेंशियल ईयर का मंथ वाइज यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं सीवीसी फॉर्मेट में, जो हमारे रिकंसिलेशन में हमें हेल्प करेगा. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा रिपोर्ट नंबर 1, 3 एंड 4 है क्या. यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हैं कि हम टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट एंड रिवर्स चार्ज रिपोर्ट नंबर 1 है. रिपोर्ट नंबर 2 है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज एंड थर्ड है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड एसईजेड सप्लाइज और जो फोर्थ है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू. हम देखते हैं कि फर्स्ट रिपोर्ट है वो क्या कहती है. टैक्स लायबिलिटी जो हमने डिक्लेयर करी है 3B में वो ली गई है टेबल नंबर 3-1A से और यहाँ पर है जो हमने डिक्लेयर करी है जीएसटीआर 1 में. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डेटा हमें ब्लैक में नजर आ रहा है, लेकिन कुछ डेटा हमें रेड इंक में नजर आ रहा है. तो यहाँ पर जो हमें डेटा रेड इंक में नजर आ रहा है वो हमारा मिसमैच है. जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर 19 में जो हमने 3B में डिक्लेयर किया थी टैक्स लायबिलिटी वो है 1,69,659.25 पैसा और जो हमारे जीएसटीआर 1 में आ रही है वो है 1,69,659.26 पैसा. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ 0.1 पैसे का फर्क है. तो जो भी डिफरेंसेस है वो अब हमें रेड इंक में नजर आ रहे हैं. ये फीचर्स हमें पहले अवेलेबल नहीं था जो अब हमें अवेलेबल कराया गया है. ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट नंबर 2 है वो है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज एंड देन थर्ड है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड एसईजेड सप्लाई. आप देख सकते हैं कि जो हमारा समरी डेटा है उसके अंदर जो ये टैक्स लायबिलिटी हमने जीएसटीआर 3B की ली है वो रिपोर्ट नंबर 1 और 3 से ली है. इन दोनों को ऐड करने से हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट की गई है और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू है वो हमें रिपोर्ट नंबर 4 में दी गई है, जो की आईटीसी जो हमने 3B में क्लेम किया है वो शो किया गया है और जो हमारा आईटीसी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो शो किया गया है. यहाँ पर भी बहुत सारा डेटा हमें रेड इंक में नजर आ रहा है. इसका मतलब यही है कि जो हमने 3B में आईटीसी क्लेम किया है और जो हमारे 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं मिसमैच है. तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो मिसमैच कौन से मंथ में है और क्यों है और हमें वो रेक्टिफाई करना है. एक चीज आप यहाँ पर और देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट नंबर 2 है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज उसे ना ही हमने हमारे टैक्स लायबिलिटी वाले कंपैरिजन में इंक्लूड किया है और ना ही हमारे आईटीसी वाले कंपैरिजन में इंक्लूड किया है. और आप एक और नया फीचर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमें दिया गया है डाउनलोड कंपैरिजन रिपोर्ट इन एक्सेल.
पहले हम इस रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम इसे एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कंपैरिजन के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो जब हम इसे खोल के देखते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है फर्स्ट हमारा कंपैरिजन समरी, पूरे साल का समरी, पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 का समरी हमें यहाँ पर एक साथ अवेलेबल है। देन हमारा टैक्स लायबिलिटी, रिवर्स चार्ज, एक्सपोर्ट एंड एसिजेट सप्लाई से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है। देन हमारा आईटीसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आईटीसी हमने 3B में क्लेम किया और जो आईटीसी हमारा 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज दी गई है वो है एक्सक्लूडिंग आरसीएम सप्लाई। जो 2A का डेटा है वो एक्सक्लूडिंग आरसीएम सप्लाईज है और जो 3B का डेटा है उसके अंदर आरसीएम इंक्लूड है। तो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तब हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपेयर करेंगे तो हमारा कंपैरिजन इजी रहेगा। तो ये कुछ नए फीचर्स थे जो हमारे आईटीसी एंड टैक्स लायबिलिटी कंपैरिजन टेबल में ऐड किए गए हैं और इस तरीके से ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। थैंक यू।